ओम शांति। आज है 26/2/19 की साकार मुरली का सार। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचाने वाले जिस्म देह से प्यार नहीं कर सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। आज मुख्य शीर्षक में बाबा ने कहा कि जीते जी मरना, यानी मरजीवा जन्म जो हमें ये मिला है, जो ये ब्राह्मण जन्म मिला है, तो क्या अभ्यास करना है? मैं आत्मा इस पुराने शरीर में, पुरानी दुनिया में मेहमान हूँ। शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। जीते जी मरने के लिए अभ्यास करना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। मैं आत्मा अपने ऑर्गन्स द्वारा अपने आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, और सामने वाली आत्मा भी अपने ऑर्गन से मेरी बात को सुन रही है। सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। आत्मा को बहुत आसक्ति है शरीर से, अटैचमेंट है, और इस अटैचमेंट की बहुत ज़्यादा रॉन्ग प्रैक्टिस भी है। इसी वजह से जब बहुत रोगी भी हम होते हैं तब भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। तो बाबा कहते हैं ये बहुत ऊंची मंजिल है। इस मंजिल पर कौन पहुंचेंगे, उनकी क्या निशानी होगी? वो पहुंचेंगे जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे। मैं अलग, ये शरीर अलग। मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ, इन कर्म इंद्रियों को यूज़ करती हूँ, ऑर्गन्स को यूज़ करती हूँ, परंतु ये गहरी अनुभूति होना कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। पापा ने कहा कि अगर देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। पापा ने कहा कि मैं तुमको जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। जैसे मैं निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो। जैसे ये शरीर मैंने लोन लिया है, वैसे तुम भी लोन लेती हो पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। बाबा बोले, अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा ना, माने मरा हुआ हूँ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। बाबा ने कहा मेरे साथ चलना है, अब घर चलना है, तो ये प्रैक्टिस करो। तो मर कर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से, कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है, आत्माभिमानी का अभ्यास करने से धीरे धीरे देह का बांध टूटता जाता है और देवी गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होती है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे? खाते पीते जैसे कि इस शरीर में मैं नहीं नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, मैं लाइट के शरीर में हूँ। मैं आत्मा लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और मैं लाइट के शरीर में
हूँ। तो ये जो हड्डी मांस का स्थूल शरीर है, इसमें मैं नहीं हूँ। ये अवस्था जो है पक्की करनी है, तब आठ रत्नों की माला में आ सकते हैं। तो कितनी ऊंची मंजिल है, और मेहनत बिगर तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। तो बाप कह रहे हैं, शरीर को नहीं आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस पड़ेंगे, या तो अपने शरीर में या किसी दूसरे शरीर से। देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कैसे फंसेंगे, या तो तुम्हें कोई बात अच्छी लगेगी या किसी का शरीर तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम्हें उनकी याद आती रहेगी। तो जिस्म से प्यार नहीं करना है, बाबा ने कहा, स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। सत्व प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्मा को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। पर पुनः जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने कारण खींचते हैं। कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं, माना जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत होती है, उतने ज्यादा आत्मा के फॉलोअर्स होते हैं। बाबा कहते हैं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। हमेशा याद रखना है, मैं आत्मा हूँ, और एक बाप जो विदेही है, जिनका शरीर नहीं है, उनसे ही प्यार रखना है। यही ज्ञान मार्ग का पुरुषार्थ है, यही एक मेहनत है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। साधना के लिए मुख्य सार है, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगर शरीर आत्मा को देखो। दूसरी पॉइंट है, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं, वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है, वहाँ सब कुछ है। तो मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ, सबको संतोष प्रदान करने वाली संतुष्ट मणि हूँ। जो संतुष्टता के रत्न है, वे सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था वे पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है, मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना। क्योंकि जितना सफल करेंगे, उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। देने में ही लेना समाया हुआ है। आज का स्लोगन है, होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। ओम शांति।